चारों तरफ से चाइनीज सिक्योरिटी गार्ड थे, गन पॉइंट पे सबको लेते थे, शॉक के लिए मशीन वहां पर रखा करती थी, चारों तरफ से 15-20 फीट की दीवारें और उसके ऊपर करंट लगे हुए, अंदर जामर भी बिठाए गए, तो कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकता बाहर के लोगों को। अगर आप ऐसे ट्रैप में फंस कर यहाँ पर आते हो तो आप खुद की जान को खतरे में डाल सकते हो, जान भी गंवा सकते हो, तो इन चीज़ों का जरूर ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों में मत उलझिएगा। ये ट्रैप क्या है सब कुछ इस वीडियो में, आपको पैसों की लालच देकर यहाँ पर बुलाएंगे। एक पुणे से जनाब थे कबीर भाई, स्पेशल से इंजीनियर थे, चाइनीज लैंग्वेज भी आती थी, तो उन्हें कंबोडिया से ऑफर गया $5,000 का कि आप आइए यहाँ पर जॉब कीजिएगा। हमारे यहाँ पर प्रोफाइल उन्होंने काफ़ी अच्छी भेजी थी कंपनी की, कंपनी वालों ने भी उनको फ्लाइट टिकट भेजा था, सारी चीज़ें भेजी थी, तो उनका इंटरव्यू सब ऑनलाइन हो चुका था। तो ये भाई साहब पुणे से फ्लाइट लेकर कंबोडिया पहुंच गए। कंबोडिया जैसे ही पहुंच जाते हैं वैसे उन्हें पता चल जाता है जो भी कंपनी की प्रोफाइल भेजी थी सब फ्रॉड था, यहाँ पर आने के बाद सब कुछ अलग है। अंदर चले गए, एक इंडियन को मार रहे थे, डायरेक्टली गन पॉइंट पे पकड़ा गया था एक इंडियन को, हो तो डर गए पहले जाकर अंदर। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि हो मेट्रोमोनियल साइट पर काम करते हैं, जैसे कि इंडियन लड़कों से जो भी पेशे से अच्छे से कमाते हैं, 25 लाख के ऊपर जिनके अर्निंग है उनके साथ चैट करना शुरू कर दो। 3-4 दिन होने के बाद उनको ऐसा फील करवाना है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ, जैसे कि मैं लड़की हूँ, लड़की के तौर पर उनसे बात करना शुरू करना है। सो जैसे कि बताना है कि मैं इतना कमाती हूँ, उतना कमाती हूँ, फिर वो पूछेंगे कैसे कमा लेते हो आप इतना ज़्यादा, तब उन्हें ये महसूस करवाना कि मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ ऐसी ऐसी जगह पर, तो आप भी करवा सकते हो, मेरे अंकल बैंक में ऐसे कैसे काम करते, तो मुझे पता चल जाता है मार्केट का सेल अप और डाउन जो भी चीज़ें, तो मुझे पता चल जाता है, तो आप भी करवा सकते हो। तो ऐसे करके जो इंडियन से उनसे पैसे की मांग करते पहले $1,000, $5,000, $10,000 इन्वेस्ट करने के लिए बोलते पहले, तो अगर स्मॉल अमाउंट किया है तो उनका जो प्रॉफिट है वो वापस करवा देते हैं। वो लालच में आकर फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो वही सिम कार्ड फेंक देते हैं। वहाँ पर मोबाइल लगभग हजारों की संख्या में मोबाइल पड़ा रहता है, जैसे कि गैरबेज में नहीं होता वैसे आईफोन पड़े होते हैं, सिम कार्ड और मोबाइल फॉर्मेटिंग के लिए स्पेशली लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। सो आप जितने भी चाहे उतने आईफोन उठा लो, सिम कार्ड ले लो और हर किसी से एट ए टाइम 10-12 लोगों से साथ चैटिंग कर सकते हो, जैसे उनके साथ चैटिंग करना है, उनके साथ थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल करवाना है, फिर उनसे पैसे की मांग करना है। ये तो रही, मैं बताता हूँ मेन पॉइंट क्या है। जो यूथ होता है जो कि मेरे जैसे 20-22 साल के बंदे आते हैं यहाँ पर, जो कि एक तो फॉरेन की लालच, एक लालसा होती है कि भाई फॉरेन जाना है, दूसरी चीज़ है कि काफ़ी अच्छा पैकेज भी मिल रहा है, तो उस लालच के चक्कर में लोग यहाँ पर आते हैं। दूसरी चीज़ कि वो वहाँ से क्यों नहीं जा सकते थे, चारों तरफ से चाइनीज सिक्योरिटी गार्ड थे, गन पॉइंट पे सबको लेते थे, शॉक के लिए मशीन वहाँ पर रखा करती थी, या फिर चारों तरफ से 15-20 फीट की दीवारें और उसके ऊपर करंट लगे हुए, और अगर अंदर जामर भी बिठाए गए तो कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता बाहर के लोगों को। तो जो कबीर भाई थे उन्होंने कैसे निकल वहाँ से, कैसे ट्रैप को तोड़ा, वो छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो वहाँ पर पहले दिन पहुँचे वहाँ पर, तो उन्होंने वो सारा नज़ारा देखकर वो चकित रह गए, खुद डर गए, तो उन्होंने बोला कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला अगर आप वापस जाना चाहते हो तो $2,500 हमें वहाँ दे दो, वापस चले जाओ। बोले फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं देखता हूँ करता हूँ। तो दूसरे दिन बोले कि मुझे $1,000 मेरे से अरेंज हो रही है, तो मैं आपको देता हूँ और मुझे छोड़ दो। तो ये भाई साहब बोले कि नहीं, आप इसकी प्राइस हो गई है $3,000, आपको $3,000 देना पड़ेगा फिर आप जा सकते हो। ये चीज़ें उनके लिए ऐसे कर रहे थे कि इम्पॉसिबल कर रहे थे, रिटर्न जाने का कोई ऑप्शन रखा नहीं था। तो इन जनाब ने, कबीर भाई ने कैसे तैसे करके अपने घर वालों को बताया, तो घर वालों ने जो लोकल पुलिस थी उनके पास चले गए। लोकल पुलिस ने मेल किया कंबोडियन एम्बेसी में, जो इंडियन एम्बेसी उनको मेल किया, तो इंडियन एम्बेसी ने भी बोला कि यहाँ पर डेली 5-10 कॉल या फिर ऐसे 5-10 केस आ रहे हैं, तो हमें आप तक पहुँचने में लगभग 1 महीना लगेगा, तो आप तब तक वो उन्हीं के साथ लगे रहो आराम से, उनके खिलाफ मत जाओ।
और तो फिर कबीर भाई को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, फिर वो पुलिस लोकल पुलिस को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लोकल पुलिस से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर उनको एक दिमाग में आइडिया आया तो उन्होंने हॉस्पिटल में कॉल किया, तो हॉस्पिटल में कॉल करने के बाद जो हॉस्पिटल में काम करने वाले थे उनको भी इंग्लिश अच्छे से आती थी और वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने जो हॉस्पिटल में पुलिस थी तो उन्होंने पुलिस वाले को दे दिया, तो पुलिस वाले ने सारी चीज़ें ले ली, फिर जानकारी ले ली, उन्होंने फिर टेलीग्राम पे चैटिंग किया कि लोकेशन बताओ, तो उन्होंने लोकेशन भेज दिया अपनी, क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें बता दी, कितने लोग हैं, सारी चीज़ें बताने के बाद कबीर भाई साहब ने सिम निकाल लिया फ़ोन से, फॉर्मेटिंग के लिए डाल दिया और सिम फेंक दिया। उसके बाद आधे घंटे के अंदर अंदर चाइनीज़ जो लोग थे उनको पता चला कि किसी ने कंप्लेंट कर दिया पुलिस को, तो उन्होंने सारे इंडियंस को वैसे बिठा दिया गन पॉइंट पर, लेकर पूछने लगे किसने कंप्लेंट की है बताओ अदरवाइज शूट कर देंगे। तो जो कबीर भाई साहब थे तो उनको चाइनीज़ भी आती थी, तो उन्होंने चाइनीज़ बातों में उलझाए रखा, बात करते रहे करते रहे, तब तक आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस वहाँ पर पहुँची। जैसे पुलिस पहुँची तो इन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला, तो फिर जैसे पुलिस वहाँ पर पहुँची तो ज़्यादातर पुलिस वाले उनसे बात कर रहे थे, उन्हें ही बता रहे थे कि हमारा इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है, जो भी एम्यूनेशन है सारी चीज़ें मिलिट्री वाली तो सारा इंडिया प्रोवाइड करता है हमें, तो हम आपको बिजनेस करना है आप कर लो लेकिन इंडियंस को छोड़ दो, इंडियंस का बिजनेस यहाँ से बंद कर दो। और फिर उन्होंने चाइनीज़ वालों ने बताया कि हम आपको 7 लाख देते हैं, इनको छोड़ दो हमारे पास, आप चले जाओ। तो वो बोले कि हम निगोशिएशन कर भी लेते लेकिन इंडिया वालों के साथ बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया यूएस और एक कंट्री का नाम लिया उन्होंने, तो इनके साथ बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको इंडियंस को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे कुछ टाइम तक बहस चलती रही, तो फिर वो मान गए छोड़ने के लिए। तो फिर पुलिस ने कहा कि जिसने भी पहले तो जिस सिम से हमें कॉल किया गया था वो सिम हमें दे दो, तभी हम आपको यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तो कबीर भाई साहब ने बोला कि मैंने कॉल किया था, तो वो सिम जो फेंकी हुई थी वो चले गए गार्बेज में ढूंढ के, आधे घंटे के बाद पुलिस को दे दिया। तो पुलिस ने एक मोबाइल में डाल दिया तो देखा रिंग बजा कर, तो उसी नंबर से उनको इन्फॉर्म किया गया था, तब इन्होंने इंडियंस को वहाँ से निकलने का फैसला किया। तो चाइनीज़ वालों ने फिर से कबीर भाई साहब को गन पॉइंट पे पकड़ लिया, गन पॉइंट पे पकड़ने के बाद बोले कि हम 6 लोगों को तो छोड़ रहे, तो इन्होंने इन्फॉर्म किया है कबीर भाई को छोड़ेंगे नहीं, इसको मार डालेंगे। तो फिर भी पुलिस वालों ने कैसे तैसे उनके गन छीन ले, फिर कबीर भाई साहब को निकाल लिया, फिर उन लोगों को एम्बेसी लेके गए, इंडियन एम्बेसी। फिर दूसरे दिन वो फ्लाइट पकड़ के इंडिया चले गए। तो ऐसा कुछ ट्रैप बनता है, सो प्लीज़ जो भी इंडिया से ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ यहाँ पर मत आइएगा ऐसे ट्रैप में फंस कर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम है। एक जो हम 22-24 साल के लोग हैं वो ज़रूर देखें इसे, और लालच में आकर इतने बड़े अमाउंट के लालच में आकर, एक फॉरेन कंट्री के लालच में आकर मत आइएगा। अगर आपको आना ही है तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे आइए, घूमिए फिरिएगा, फिर वापस चले जाइएगा। अगर आप ऐसे ट्रैप में फंस कर यहाँ पर आते हो तो आप खुद की जान को खतरे में डाल सकते हो, जान भी गंवा सकते हो, तो इन चीज़ों का जरूर ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों में मत उलझिएगा। ये ट्रैप क्या है सब कुछ इस वीडियो में, आपको पैसों की लालच देकर यहाँ पर बुलाएंगे और ऐसी चीज़ें यहाँ पर होगी नहीं बिल्कुल, आप फंस जाओगे, आपकी जान को खतरे में डालोगे। सो प्लीज़ जॉब के सिलसिले, जॉब के चक्कर में, पैसों की लालच में या फिर फॉरेन कंट्री के लालच में यहाँ पर मत आइएगा।